वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास सेवन्थ हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इससे पहले हमने जो सैम्पल पेपर बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहाँ से आए हुए हैं तो यानी कि हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए और दूसरे स्कूल के पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन रिपीट होते हैं टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आपको इसका पी मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जा करके आप ज्वाइन करें ग्रुप को वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं मैं डाउट सेशंस भी लेना स्टार्ट कर रही हूँ अब अगले साल से मतलब अप्रैल से तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ज़रूर ज्वाइन करें और हाँ ज्वाइन करेंगे आपके स्कूल का पेपर भी उस पर शेयर कर दीजिएगा सबके लिए हेल्प हो जाती है ना फिर हेल्प कर लीजिएगा तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले है अपठित गद्यांश तो एम जो होते हैं ना अपठित गद्यांश वाले हमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और फिर आंसर निकालने होते हैं तो क्वेश्चन है किस देश की उन्नति और उत्थान किस पर निर्भर करते हैं कि किसी देश की उन्नति और उत्थान जो है वो किस पर निर्भर करते हैं फिर विद्यार्थी को किसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए आज जो विद्यार्थी है वे ही कल के भारत के क्या होंगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक विद्यार्थियों को भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए चलो क्वेश्चन देख लिया देखते हैं पैसेज और आंसर ढूंढते हैं स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के कंधे पर है कारण आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल के भारत के नागरिक होंगे तो विद्यार्थियों का भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए अच्छा ये वाला नहीं आज जो विद्यार्थी हैं वे क्या होंगे नागरिक होंगे कल के भारत के ये आंसर मिल गया हमें भारत की उन्नति एवं उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है तो भारत की उन्नति और उत्थान किस पर निर्भर करता है विद्यार्थियों पर उनका मतलब यहाँ पर है विद्यार्थी बच्चे ने सॉल्व किया हुआ था मतलब टिक उसने लगाए हुए हैं जिसने बेचाई पेपर करेक्ट आंसर जो है सॉरी बेटा आपका ये वाला गलत हो गया जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विद्यार्थी तो भारत का उत्थान या उन्नति विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है आप लोगों पर अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा अतएव विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र अपने समाज अपने धर्म और संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए तो विद्यार्थी को किसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए अपने राष्ट्र धर्म और समाज को उपयुक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला आज जो विद्यार्थी हैं वे कल के नागरिक होंगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए स्वतंत्र भारत हाँ बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल सही यही वाला चाहिए जिससे उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं तो विद्यार्थियों को भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए सतर्कता और सावधानी के साथ यहां पर लिखा हुआ है ना कि बिल्कुल सतर्कता और सावधानी के साथ हमें अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं ओके okay. पोएम आती है तो पोयम के भी पहले क्वेश्चन आंसर देखते क्वेश्चन देखते हैं सरिता का जल कहाँ से आ रहा है सरिता का जल किस रंग का है सरिता के जल की विशेषताएं और पद्यांश का उचित शीर्षक हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह बिमल दूध सा हिम का जल कर कल कलकल छल छल बहता आता नीचे पल पल तन का चंचल मन का विहवल यह लघु सरिता का जल ऊपर अच्छा ठीक है तो सरिता का जल कहाँ से आ रहा है तो हिमालय की बर्फ से पिघल कर आ रहा है हिमालय हिमगिरी यानी कि हिमालय से आ रहा है सरिता का जल किस रंग का है तो यहाँ पर हमें दिया गया है यह है बिमल दूध सा हिम का जल तो कैसा है दूध सा तो भाई दूध सा तो यानी कि सफेद है ना ये वाला सेकंड वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि दूध सा जल है ना सरिता के जल की विशेषताएं क्या हैं तो सरिता का जल कैसा है दूध सा है कर कर निदान कलकल -कल, छल छल बहता नीचे पल पल तन का चंचल तो कैसा है वो चंचल है पद्यांश का उचित शीर्षक चंचल जल सरिता का जल हिमगिरी का जल तो इसमें से मतलब जो आपको बेस्ट लग रहा है एक बच्चे ने जैसे ये हिमगिरी का जल ये बेस्ट होना चाहिए क्योंकि हिमगिरी के जल के बारे में ही सारी बातें बताई जा रही हैं निर्देशानुसार उत्तर लिखिए हानि लाभ तो कौन सा इसमें समास है और चतुर्भुज चतुर्भुज यानी कि जिसमें चार भुजाएं होती हैं तो चार भुजाएं किसमें होती हैं तो देखो चतुर्भुज में जो है वो बहुब्रीही समास है द्विगु भी इसमें आप कह सकते हैं और बहुब्रीही भी कह सकते हैं तो दोनों ही हैं द्विगु में नंबर होता है ना क्योंकि चतुर है नेक्स्ट देखिए पुष्प जो है वो फूल होता है ये वाला नहीं है इसका आंसर पृथ्वी को हम अचला बोलते हैं अचला क्यों पृथ्वी के पर्यायवाची है अचला और जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक संधि विषेद करना है पुस्तकालय का तो पुस्तक प्लस आलय गंगा नदी पवित्र नदी कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है पुस्तक पुस्तकें निम्नलिखित वाक्य से विशेषण छात्र करके लिखिए तो पवित्र ही विशेषण है इसका भारत में गंगा नदी पवित्र है तो पवित्र इसका विशेषण है आजीवन शब्द के लिए प्रयुक्त उपसर्ग से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए तो ठीक है ईला इसका प्रत्यय है नेक्स्ट देखिए ये ही वाला मैंने आप लोगों को करवाया था ये वाला ये इससे पहले भी एक और स्कूल का पेपर है जो मैंने शेयर किया था उसमें सेम पैसेज उठा करके दिया गया था फिर से वही आ गया है तो ये इसके आंसर्स मैं वहाँ पे करवा चुकी हूँ मोर के सिर की कलगी कैसी होती है तो सघन ऊंची और चमकीली होती है यहाँ पे से ऊंची चमकीली होती है उसकी आपका जो है ना चैप्टर बुक वाला उसी से लिया गया है मोर की चोच कैसी होती है तो पैनी होती है पंकीम और पैनी मोर द्वारा की गई कौन सी क्रियाएं लेखिका को अच्छी लगती थी तो गर्दन नीची कर कर दाना चुगना ये सेम बिल्कुल ये मैं पहले घर आ चुकी हूँ मुझे याद हो गए इसके आंसर्स मोर की ग्रीवा कैसी थी तो नीली थी मोर के पंख किस रंग के थे इंद्रधनुषी ये सारे के सारे यहाँ से आंसर्स लिए गए हैं कि उसके इंद्रधनुषी रंग थे पंख थे पूछ लंबी थी नीलहरित उसकी ग्रीवा थी बंखे पहनी उसकी ठीक है अब देखो लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत बाधी थी ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें कुंवर सिंह को बचपन में किन नामों ये भी ये वाला क्वेश्चन भी था क्या उन्हें उन काम तो आप देख रहे हो कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं ये ये तीनों के तीनों थे साक्षात्कार पढ़ के आपके मन में धनराज पिल्ल की कौन सी छवि उभरती है और इसके आंसर्स मैंने उसमें पूरे के पूरे बताए थे ये तीनों क्वेश्चन आए थे मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा है ना गद्यांश और ये तीनों क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सेम ही सैंपल पेपर से उठा करके दे दिया है मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे ऐठ बेचारी दबे पाओ भागी तो ये एक तिनका वाला जो है ना पूयम आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ तो आँख दुखी दर्द हुआ लाल हो गई आँख एंठ बेचारी दवे पाँव जाने लगी तो घमंड चूर हो गया ये भी था उसमें एक और सैंपल पेपर हमने किया था उसमें ये वाली पोयम थी कवि की आँख में तिनका जाने पर लोगों ने क्या किया कपड़े की मूठ देने लगे आँख में तिनका जाने पर कवि को कैसा लगा तो कवि बेचैन हो गया था इस कविता का नाम एक दिन का है रहीम के दोह दोहों से हमें क्या शीश जो है सीख मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको आज़ादी पसंद होती है भाई माता यशोदा अपने कृष्ण को किस प्रकार और क्या कहकर जगाती थी कि सुबह हो गई है ना वो सब वाली जो है पांडु के कितने पुत्र थे उनके नाम बताइए पांच थे और पांचों के नाम है ना अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अश्वत्थामा ने दृष्टद्युम और द्रौपदी के पांच पुत्रों को कैसे मारा महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने बरस तक द्वारका के में राज्य करते रहे श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और संवाद लिखना है आपको विषय पर एक तो मिठाई वाले और ग्राहक के बीच का संवाद लिखिए तो, या में बंद दो पक्षियों के बीच का संवाद लिखिए बहुत ये वाला इंटरेस्टिंग रहेगा फनी बना सकते हैं आप इसको आप संवाद जो है ना वो थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा फन डालने की कोशिश करा करिए पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे जुर्माना माफ करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर समय का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए और अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन का लक्ष्य प्रदूषण की समस्या स्वतंत्र भारत तो ये जो प्रदूषण है ना इस पर तो आप एक बढ़िया सा ना लेख तैयार करके रख लो बहुत हर बार पूछ लेते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर था बहुत सारे क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चन पेपर्स में भी मैं करा चुकी हूँ बहुत रिपीट होता है तो ध्यान से करिए और शेयर भी करिए वीडियो को ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप थैंक यू